Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is deletion, delete an L an item in two-way linked list. बेटा इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हियर इज अ फर्स्ट नोड दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड इन केस ऑफ द टू वे लिंक लिस्ट ईच नोड हैविंग थ्री पार्ट्स. क्लियर. एंड हियर इज अ स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल दैट इज नोन एज द लास्ट दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड फर्स्ट एंड लास्ट. बेटा मान लो ये पड़ा हमारा 9 एड्रेस पे, दिस इज एट 25, दिस इज एट 6. तो इसके फॉरवर्ड में कुछ है? नो. इसके फॉरवर्ड में क्या है? 6 एड्रेस. इसके फॉरवर्ड में क्या है? 25 एड्रेस. फर्स्ट का एड्रेस क्या है? 9. लास्ट का एड्रेस क्या है? 6. इसके बैकवर्ड में क्या है? 25. इसके बैकवर्ड में क्या है? 9. इसके बैकवर्ड में क्या है? कुछ भी नहीं. यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या पढ़िए? बी. यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़िए डी. यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़िए ई. क्लियर है जी? सपोज दैट वी वांट टू डिलीट दिस आइटम. मेरे को ये नोट डिलीट करना. तो राजी क्या होगा इस नोट को डिलीट करने के लिए? ध्यान से समझना. मैं चाहती हूँ अब ये वाला नोट जो है वो इसको लिंक करे और ये वाला नोड जो है वो इसको लिंक करे. ये कब पॉसिबिलिटी है? अगर इसके फॉरवर्ड में 6 आ जाए और इसके बैकवर्ड में 9 आ जाए. ठीक है, ये क्या है? लोकेशन जिसको मैं चाहती हूँ डिलीट करना. तो चेक द एल्गो फॉर दिस. फर्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना. मैं क्या चाहती हूँ, सेट करो, ध्यान से समझना. दिस इज द लोकेशन दैट आई वॉन्ट टू डिलीट. मैं चाहती हूँ जो मेरा लोकेशन है, जो मेरी लोकेशन है उसका जो बैक साइड वाला नोड है, लोकेशन का जो बैक साइड वाला नोड है उसका ये जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड फिर से बता रही हूँ, लोकेशन के बैक साइड नोड का जो फॉरवर्ड है उसमें क्या आ जाए जो मेरी लोकेशन के किसमें बढ़ा? फॉरवर्ड में बढ़ा. गेट दिस पॉइंट? फिर से बता रही हूं, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस नोड. बेटा इसको मैंने लोकेशन मान ली, जो मेरी लोकेशन का बैक साइड का नोड है, जो मेरी लोकेशन के बैक साइड का नोड है उसका जो फॉरवर्ड पॉइंटर है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, उसमें क्या आ जाए जो मेरी लोकेशन के फॉरवर्ड में पड़ा है. दिस मींस कि मैंने क्या बोला, 25 इज नाउ अपडेटेड विद द 6. क्लियर. एंड ध्यान से देखना और क्या सेट करना चाहती हूं, जो मेरी लोकेशन के लोकेशन का जो फॉरवर्ड नोड है, लोकेशन का जो फॉरवर्ड नोड है, दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड, उसका जो बैकवर्ड है, जो लोकेशन के फॉरवर्ड का, लोकेशन का जो फॉरवर्ड नोड है उसका जो बैक साइड पॉइंटर है उसमें क्या आ जाए जो बैक साइड ऑफ बैक पॉइंटर ऑफ लॉक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फिर से देखो, मैं चाह रही हूँ जो मेरी लोकेशन है, लोकेशन ये थी, इसका जो फॉरवर्ड नोड है, ये फॉरवर्ड नोड है, इसके बैक पॉइंटर में, ये बैक पॉइंटर है, इसमें क्या आ जाए जो लोकेशन के बैक पॉइंटर में पड़ा, लोकेशन के बैक पॉइंटर में क्या पड़ा? 9. नाउ 25 इज अपडेटेड विद 9. क्लियर है जी? इसका मतलब ये नोड हमारा क्या हो गया? डिलीट. जब कोई नोड डिलीट हो जाए तो उसको उठा के हम कहाँ डालते हैं? अवेल लिस्ट में. तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सेट फॉरवर्ड ऑफ लोकेशन, लोकेशन के जो फॉरवर्ड में जो है
उसको कहाँ डाल दो, अवेल में। क्लियर, फ्री नोड्स को कहाँ डालना, अवेल में। एंड अवेल अब किसको लिंक करें, मतलब फर्स्ट नोड हमारा ये आ गया ना, अवेल अब किसको लिंक करे, अवेल हमारा राज्य लिंक करे लॉक को। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एग्जिट। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। ये बेटा मेन जो चीज समझने वाली थी वो ये दो थे, कैसे फिर से बता रही हूँ, जो हमारी लोकेशन जो हम डिलीट करना चाहते हैं उसका जो बैक नोड है उसका फॉरवर्ड पॉइंटर में क्या चला जाए, जो लोकेशन के फॉरवर्ड पॉइंटर में क्या था, 625 को 6 से अपडेट कर दिया, तो ये इसको लिंक कर। क्लियर, फिर मैंने क्या बोला, जो लोकेशन का फॉरवर्ड नोड है, लोकेशन का फॉरवर्ड नोड है उसके बैकवर्ड में, उसके बैकवर्ड में क्या चला जाए, जो लोकेशन की बैकवर्ड में पड़ा, लोकेशन की बैकवर्ड में क्या पड़ा था, 9, 25 इज नाउ अपडेटेड विद 9, ये नोड क्या हो गया, डिलीट। यहाँ पे क्या होगी, डिलीशन परफॉर्म। अब जो डिलीट हुआ नोड उसको उठा के अवेल लिस्ट में डालना, तो लोकेशन का फॉरवर्ड, जो ये जो डिलीट हुई है लोकेशन इसके फॉरवर्ड में क्या चल जाए, अवेल। अवेल क्या थी, फ्री नोड की लिस्ट। मान लो यहाँ पे अवेल पड़ी है, यहाँ पे क्या पड़ा है, अवेल लिस्ट पड़ी है। क्लियर, मान लो ये फ्री नोड की, यहाँ पे क्या पड़ा है हमारा 22, ये कौन से एड्रेस पे है, 39, लेट अस सपोज। तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड ऑफ लॉक, लॉक के फॉरवर्ड में क्या चला जाए, जो अवेल, अवेल में क्या पड़ा 22, तो इसमें क्या आ जाएगा 22, तो ये अब इसको लिंक करेगा। अवेल में चला जाए लॉक का एड्रेस, मतलब 25, अवेल में आ जाए 25, तो ये अब इसको लिंक करेगी। मतलब ये जो नोड हमने डिलीट करा वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में अवेल लिस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिलीट the item in the two-way linked list. If you understand beta, like the lecture. If you still have any issue or any query in your mind, then write in the comment section. Otherwise, subscribe the channel. Thank you beta, and share with your friend. Also give your valuable feedback. Thank you so much.